नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की छवि आते ही हमारे सामने उनका बाल रूप सामने आ जाता है और भगवान श्री कृष्ण की बात सुनते ही या फिर कहते ही हमारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ आप अक्सर देखते हैं कि उसके साथ साथ आप मोर के पंख इस्तेमाल करते हैं। यदि आप अपने घर में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात हो मोर पंख की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मोर पंख को अपने सर पर क्यों लगाते हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। अक्सर देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं और उससे निकलने वाली धुन को सुनकर राधा और गोपियां सारी मदभुगत हो जाती हैं, जिससे वह डांस करने लगती हैं और नृत्य करते वक्त उसी समय रानी राधा के महल में बहुत ज्यादा मोर हुआ करते थे और मोर वैसे ब्रह्मचारी का पालन करते हैं क्योंकि उनका जो भी गर्भाशय होता है वह मोर के आंसुओं के पीने की वजह से ही होता है। जब भी मोरनी गर्भाशय होती है तो इसलिए उन्हें ब्रह्मचार्य पालन ज्यादा माना जाता है। मोरनी और राधा एक साथ डांस करते वक्त मोरनी के जो पंख गिरे थे तो उसमें से पंख उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर पर लगा लिया और कहा कि ये समानता दर्शाता है और राधा की प्रभुता को भी दर्शाता है क्योंकि श्री कृष्ण का राधा के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम उत्सुक था। कहा जाता है कि मोर पंख इसलिए वह सर पे लगाते हैं क्योंकि बलराम नाग के ही रूप माने जाते हैं, यानी कि शेष नाग के रूप माने जाते हैं और नाग और मोर दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु भी माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर का पंख लगाकर यह भी दर्शाया कि सभी लोग एक दूसरे के समान होते हैं और सभी से समान प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सभी के लिए एक समान भावना रखना, एक समान प्यार रखना सभी के लिए आवश्यकता होती है और वह सभी तरह से काम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण वैसे भी एकता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध तो कराया लेकिन युद्ध के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता था जिसकी वजह से उनका जीवन तत्पर रहा है। भगवान श्री कृष्ण का मोर का पंख लगाना राधा की भी भूमिका निभाई जाती है। कहा जाता है कि राधा की भूमिका को दर्शाते हुए भी मोर का पंख इस्तेमाल किया जाता है, तभी से भगवान श्री कृष्ण के साथ मोर का पंख इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें हल्के रंग और डार्क रंग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और मोर देखने में बहुत ज्यादा प्रभुता और एकता दिखाता है, इसलिए भी मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।